किसी भी यूरोप के अच्छे और डेवलप कंट्री में मूव होने और सेटल होने के ख्वाब देखने वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। रिसेंटली जो डेनमार्क की गवर्नमेंट है उन्होंने न्यू वीज़ा लॉन्च किया है जिसका नाम है डेनमार्क जॉब सीकर वीज़ा, जिसका मतलब है कि डेनमार्क में जॉब तलाश करने का वीज़ा। ये 6 मंथ का टेम्प्रेरी वीज़ा आपको दिया जाता है। आप डेनमार्क में जाके जॉब तलाश करते हैं और इस टेम्प्रेरी वीज़ा को टेम्प्रेरी रेजिडेंस में कन्वर्ट करवाते हैं। फिर जब आप टेम्प्रेरी रेजिडेंस में होते हैं तो 2-3 साल आप इस पर जॉब करते हैं, मतलब जो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उसके बाद आप इस वीज़ा को परमानेंट रेजिडेंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। एक ग्रेट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, ज़रूर इसको अवेल कीजिए। इसके लिए ना बड़ी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना बड़ी एजुकेशन की ज़रूरत है, ना बड़े फंड की ज़रूरत है। और बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसा कि बाकी तमाम तर कंट्री के लिए आप विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरत होती है, लाइक मिडिल ईस्ट के लिए ऐसी ही रिक्वायरमेंट बेसिक आपको इस वीज़ा के लिए चाहिए होती है। और इसका अप्लाई करने का तरीका इतना ईजी है, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि डेनमार्क जो है एक शेंजन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, और यूरोप के जो मोस्ट डेवलप कंट्री है उनमें सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपको डेनमार्क के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो बाकी आप तमाम तर जो यूरोप के शेंजन कंट्री हैं उनमें भी आप मूव कर सकते हैं। 26 कंट्रीज जिसमें मोस्ट डेवलप कंट्रीज भी शामिल हैं, जिसमें जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, इटली और ये तमाम तर जो कंट्रीज़ हैं ये शामिल हैं, इनमें भी मूव कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर डेनमार्क के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि डेनमार्क बताते खुद एक डेवलप कंट्री है, आपको अच्छे से फैसिलिटेट करता है, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग अच्छे से बिजनेसेस करते हैं, अच्छा आउटपुट मिलता है, अच्छे रेट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि किसी दूसरे कंट्री में मूव होने की ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो डेनमार्क है वो खुद एक अच्छा डेवलप कंट्री है और आपको अच्छे से फैसिलिटेट करता है। बेसिक 4 रिक्वायरमेंट कौन सी है इस वीज़ा की, डेनमार्क जॉब सीकर वीज़ा की? नंबर 1, आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। नंबर 2, आपको होटल रिजर्वेशन लेटर या रेजिडेंस रिजर्वेशन लेटर डेनमार्क से आपको चाहिए होगा, वो कोई भी होटल आपको दे देगा, वो फ्री में दे देते हैं होटल। और इसके अलावा 6 मंथ का रिटर्न टिकट, रिजर्व टिकट आपको चाहिए होगा, वो भी एयरलाइंस आपको फ्री में दे देंगी। और लास्ट जो इसकी रिक्वायरमेंट है, बैंक स्टेटमेंट जो कि पाकिस्तानी 15 लाख रुपये आपके अकाउंट में लास्ट 28 डेज से होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने किसी भी एजेंट से नहीं करना है, ये ऑनलाइन एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, इसको गूगल पर तलाश कीजिए। इस पर तमाम तरह डिटेल है, हाउ टू अप्लाई, कितनी फ़ी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत ही ईजी तरीका है। और ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। इसके लिए ना बड़े फंड की ज़रूरत है, ना बड़ी एजुकेशन की ज़रूरत है, और ना ही बड़ी बैंक स्टेटमेंट। बेसिक आपकी एजुकेशन मैटर हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये बेहतरीन आपको यूरोप में सेटल होने के लिए एक अच्छा मौका है, और बेसिक वीज़ा है और बेसिक रिक्वायरमेंट है।